नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। कोरोना के इस काल में कई नाम ऐसे हैं जो देवदूत बनकर सामने आए। उनमें से एक नाम जो कई लोगों की जुबान पर है और वो है सोनू सूद। दिन भर में उन्हें कई ट्वीट्स आते हैं और ऐसे ही मदद के लिए ट्वीट आया जो अब युवक को भारी पड़ गया। दरअसल मामला अमेठी जिले का है, जहां एक शख्स ने अपने 88 वर्षीय नाना के लिए ऑक्सीजन की जरूरत वाला ट्वीट किया और इस ट्वीट के बाद युवक के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अब सोच रहे होंगे कैसा क्यों किया गया, तो बता दें दरअसल शशांक यादव नाम के शख्स ने 26 अप्रैल की रात अपने ट्विटर हैंडल से बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को टैग करते हुए ट्वीट में कहा, ऑक्सीजन सिलेंडर की जल्द से जल्द जरूरत है। जाहिर है कि ट्विटर पर इस तरह के ट्वीट्स भरे हुए हैं, मदद के लिए लोग एक दूसरे का साथ मांग रहे हैं और इस बीच ये ट्वीट आया। मामला अमेठी का था तो स्मृति ईरानी ने भी संज्ञान लिया और शशांक का ट्वीट देखने के बाद क्षेत्रीय भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 27 अप्रैल को किए गए ट्वीट में कहा, मैंने शशांक को 3 बार कॉल किया मगर फोन नहीं उठा। मैंने जिलाधिकारी और अमेठी पुलिस को जरूरतमंद व्यक्ति की मदद के लिए कह दिया है। अब बारी थी पुलिस की। इस समय पर खाकी अपना फर्ज निभाने के लिए मैदान में उतरी। अमेठी के पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह ने बुधवार को इस बारे में पूछे जाने पर कहा, शशांक ने रिश्ते में अपने नाना लगने वाले बुजुर्ग के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने को कहा था। हालांकि उसने ट्वीट में ये नहीं लिखा था कि उसके नाना कोविड-19 संक्रमित हैं या नहीं। सिंह ने कहा, जब शशांक के मोबाइल नंबर पर फ़ोन किया गया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। हमने सोचा कि हो सकता है वो किसी मुश्किल में हो, इसलिए फ़ोन नहीं उठा रहा है। इसके बाद हमने सर्विलांस का इस्तेमाल किया और शशांक की मौजूदगी का पता लगाते हुए उसके घर पहुंचे, जहां वो सो रहा था। पुलिस अधीक्षक ने दावा किया कि शशांक का घर अपने नाना के घर से 20 किलोमीटर दूर है और वो वहाँ बमुश्किल 5 मिनट के लिए ही गया था। उसके बाद उसने वो ट्वीट कर दिया। जाहिर होता है कि शशांक का मकसद वो ट्वीट कर सनसनी फैलाना और डर फैलाने का था। उन्होंने कहा कि शशांक के खिलाफ महामारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के तहत उसे नोटिस तामील कराने के बाद चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। इस बीच जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष दुबे ने कहा कि शशांक के नाना का कोविड-19 परीक्षण नहीं कराया गया था और वो एक निजी चिकित्सालय में इलाज करा रहे थे। उन्हें पास के ही रामगंज या भादर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं ले जाया गया था। शशांक के नाना की ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु होने का दावा भी सही नहीं है। अमेठी पुलिस ने अपने एक ट्वीट में कहा, ना तो मरीज कोविड-19 संक्रमित था और ना ही उसे ऑक्सीजन की जरूरत थी। उसकी मृत्यु 26 अप्रैल को दिल का दौरा पड़ने से हुई। शशांक ने जिस तरह का ट्वीट किया वो न सिर्फ निंदनीय है बल्कि दंडनीय भी है और इस बात से जाहिर होता है कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। इससे पहले भी ऐसे कई ट्वीट सामने आए थे जब एक साथ कई लोगों ने एक ही ट्वीट करते हुए सिस्टम को कोसा था और कहा था कि माँ हार गई, सिस्टम जीत गया, और इन ट्वीट्स की वजह से कहीं ना कहीं जरूरतमंद पीछे रह जाते हैं। तो आप भी इन ट्वीट्स पर ध्यान दीजिए। सोशल मीडिया पर जिस तरह का कुप्रचार फैलाया जा रहा है उससे सतर्क रहें। इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।